अभी चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को जनता ने जो दोबारा आशीर्वाद दिया है, हम हरियाणा की जनता को इसका बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत जनता के आशीर्वाद से फिर से सरकार बनाएंगे और दिवाली की सब हरियाणा वासियों को ढेर सारी शुभकामनाएं, सारे देशवासियों को शुभकामनाएं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को एक बार फिर मौका मिला है, हम सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभर कर आए हैं और हम हरियाणा में ये इतिहास रचेंगे कि भारतीय जनता पार्टी जैसी पार्टी द्वारा, जहाँ चार विधायक थे हमारे, हम 47 आए और उसके बाद हमने सरकार चलाई और सरकार चलाने के बाद फिर से जनता ने आशीर्वाद दिया है, द्वारा हम अपनी सरकार बनाएंगे, ये एक बड़ा कीर्तिमान होगा हरियाणा। सहयोग किसका नहीं, हम सब भगवान का सहयोग है, जनता का सहयोग है, सब ठीक हो जाने वाला है। सब इसमें निर्दलीय है, अब देखिए वो तो सब स्थिति आ जाएगी, लेकिन हम सरकार बनाएंगे, कंफर्टेबल सरकार बनाएंगे, स्टेबल गवर्नमेंट बनाएंगे। जनता ने जो मैंडेट दिया है वो आज भी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में ही दिया है। बेशक 7 सीटें हमारी कम होकर के आई हैं, वोट परसेंटेज भारतीय जनता पार्टी का हरियाणा प्रदेश के अंदर बढ़ा है, फिर भी जो जनादेश है जनता का, हम उसका सम्मान करते हैं और हम बहुत उसके साथ विश्लेषण करेंगे, आत्मचिंतन करेंगे, आत्ममंथन करेंगे कि ये भी हमारी जो सीटें हैं घट करके क्यों आई हैं, क्या कारण रहे जिसकी वजह से हम जनता को पूरी तरह से संतुष्ट नहीं कर पाए। इस हर बात के ऊपर हम लोग आत्मविश्लेषण करेंगे और जो भी कहें इस प्रकार की कोई कमियां कोई रही हैं हमसे, उनको हम दूर करके दोबारा से फिर भारतीय जनता पार्टी को कैसे हम मजबूत करें, इस बात का प्रयास करेंगे। समय से पहले कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी, लेकिन बहुत सारी बातें धीरे धीरे सामने आ रही हैं। ये माना जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी सरकार बना रही है, कल अमित शाह जी ने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अनाउंस कर दिया है जी जी, उनका ऐसा माना जा रहा है कि इंडिपेंडेंट के सपोर्ट से भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार बनाएगी, ना कि जेजेपी का सपोर्ट लेगी। ये सारी बातें अभी आगे बढ़ रही हैं, इंडिपेंडेंट भी सारे आई गए हैं भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में और कौन कौन लोग आएंगे ये भी देखने की बात है। सर, प्रधानमंत्री मोदी ने कल स्पष्ट कर दिया है खट्टर जी चीफ मिनिस्टर रहे जी, जी जी, आपको लगता है ये बहुत ही पॉजिटिव मैसेज है जो कि एक काडर में गया है हरियाणा में? निश्चित रूप से एक अच्छा फैसला हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व का है और मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व में दोबारा से सरकार बनेगी।